क्या हरियाणा में बढ़ने वाली है बीजेपी की मुश्किलें? 2019 से पहले हरियाणा में बीजेपी को कौन सा तगड़ा झटका लगा है? आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए एक ओर जहां विपक्ष बिसात बिछा रही है, तो वहीं बीजेपी के सांसद भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी को 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के ओबीसी चेहरा माने जाने वाले कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी का पार्टी से मोह भंग हो गया है। खबर है कि सैनी ने बीजेपी से नाता तोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी होगा। सैनी ने कहा कि 2 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पानीपत की ऐतिहासिक धरती से उनकी नई पार्टी के नाम का ऐलान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बकौल सैनी, उनकी ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की ना होकर आम जनता को न्याय दिलाने की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। सियासी जानकारों की माने तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजकुमार सैनी का बीजेपी से अलग होना किसी झटके से कम नहीं है। सैनी इन चुनावों में बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं, यानी इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को प्रदेश में अब राजकुमार सैनी की पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि राजकुमार सैनी जाट आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर अपनी ही पार्टी से अलग विचारधारा के चलते सैनी ने साल 2015 में लोकतंत्र सुरक्षा मंच का गठन कर लिया था। इसके बाद से ही इस मंच के बैनर तले रैलियों और सम्मेलनों का सिलसिला शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, वो कई मौकों पर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को भी निशाने पर ले चुके हैं। सैनी के रुख में आए बदलाव के बाद से ही उनके बीजेपी से अलग होने के कयास लगाए जाने लगे थे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।